जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं फिलहाल चुरू जंक्शन पे और एक नए रूट को आप लोग के लिए एक्सप्लोर कर रहा हूं, जिसमें हम लोग राजस्थान को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। रेत वगैरह भी देखने को मिली, काफ़ी मज़ा आया आज के सफ़र में। जल्दी आपको ये वीडियो भी चैनल में देखने को मिलेगा। लेकिन एक यूनिक चीज़ देखने को मिली आज। यहाँ पीछे आप कोर्स देख रहे हैं, ये कम्प्लीट ए सी 3 टायर का है। आप लोगों ने ए सी फर्स्ट कम ए सी 2 टायर के इंटीरियर को देखा होगा, उस कोच को देखा होगा, पर कभी सोचा आपने कि ए सी 2 टायर कम ए सी 3 टायर का कोच भी होता है। आज मैं जिस ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ उसमें लकीली जो हमारा कोच है वो ए सी 2 कम ए सी 3 टायर का है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे हमारा ए सी 2 कम ए सी 3 टायर का कोच। मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को उसका इंटीरियर दिखाया जाए, क्योंकि कई लोग के मन में डाउट होता है क्या सीटिंग अरेंजमेंट होने वाली है, क्या प्लान होता है, कैसे 2 और 3 टायर के पैसेंजर्स को एक साथ बिठाया जाता है। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं इंटीरियर कैसा है। कोच में एंट्री लेने के बाद आप लोग देखेंगे कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट दिया गया होगा, जहाँ पे आपको सेंटर में भी एक डोर मिलेगा जो डिवाइड करता है 2 टायर और 3 टायर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 वाली अरेंजमेंट है, अपर बर्थ मिडिल बर्थ से ओपन करना पड़ेगा और ये लोअर बर्थ। ये है अरेंजमेंट यहाँ का, यह है साइड अपर, यह है साइड लोअर, और जो लास्ट सीट है 3 टायर की उसका नंबर है 32। और यह है 3 टायर के कोच का इंटीरियर, लेकिन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी साफ सुथरा है। और यहाँ से शुरू हो जाते हैं इसे 2 टायर। जैसे आप ए सी 3 टायर से 2 टायर वाले सेक्शन में आते हैं, आप देख सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट चेंज हो गया, अपर बर्थ, ये लोअर बर्थ, यहाँ पर मेरे को सामान फैला हुआ है, ये साइड अपर, ये साइड लोअर, और यहाँ पे जो लास्ट सीट होती है 2 टायर की वो है 24 नंबर। चार्जिंग सॉकेट वगैरह दिए गए हैं, साफ सफाई बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों वो है एसी 2 कम 3 टायर का कोच और ये है कंप्लीट 3 टायर का कोच। उम्मीद करता हूँ आपको उसका इंटीरियर पसंद आया होगा और कुछ यूनिक चीज़ जानने को मिली होगी देखने को। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो कर लो, मेरी इंस्टा डी द ट्रेन गुरु है, वहाँ भी मैं ऐसे कुछ अपडेट्स डालता रहता हूँ आप लोग के लिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, जस्ट केवल रिव्यू वीडियो था। मिलूंगा आप लोगों से इस ट्रेन की कंप्लीट जर्नी में और बहुत सारी ट्रेन जर्नीज में। तब तक आप लोग ख्याल रखिएगा। देखिए कुछ रेतीली क्लिप जहाँ से हमारी ट्रेन सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीलों से होकर के गुजर रही थी। मिलूंगा आप लोगों से आने वाले वीडियोस में। तब तक ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। जय हिंद दोस्तों।